करेंगे 524 की, 524 के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैप, डिस्क्राइब्स मेन फीचर्स एंड यूजेस इन सोशल स्टडीज के अंदर। इसके कॉन्सेप्ट मैप होता है एक प्रकार का, कोई भी विचार हमने बच्चों का जो क्लियर करना है, कोई प्रॉब्लम होता है उसको कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में जैसे वाटर का दिखाया गया है, वाटर है, वाटर किस किस चीज में यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, फिनिशरी का मतलब इनलैंड से जो हमारी रिवर्स है, नदियों के अंदर से जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं बाई सी, मतलब वाटर हमारे काम आता है, एग्रीकल्चर में काम आता है, इंडस्ट्रीज में काम आता है और फिनिशरी में, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इसी तरीके से जैसे इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट मैप दिया गया है, सबसे पहले जो ना हायरार्कीज ऑर्डर से देना पड़ेगा हमारे को, मतलब ऊपर से नीचे तक को क्रमबद्ध तरीके से देना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की होती है, बेस्ड ऑन किस किस चीज पे आधारित है, रॉ मटेरियल पे, साइज के आधार से, रॉ मटेरियल्स और ओनरशिप के आधार से। रॉ मटेरियल्स मतलब एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की होती है इंडस्ट्रीज, साइज के हिसाब से लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कॉटेज इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल मिनरल्स बेस्ड और एग्रो बेस्ड दो प्रकार की होती है, और बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट के हिसाब से पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट वेंचर। मतलब इस प्रकार का कोई भी हम बार बार, बार बच्चों को करवाते रहते हैं, सारे के सारे इनको हम कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, जिस प्रकार हमने कोई ट्रांसपोर्टेशन का दिखाना है तो ट्रांसपोर्टेशन को हम डिवाइड करेंगे एयर्स में, लैंड में, ट्रेन का, वाटर से, मतलब तीन तरीके से डिवाइड करके उसको फिर हम ले आएंगे, उसको वाटर से जाएंगे, एयर से जाएंगे और लैंड से जाएंगे, फिर उनको आगे दिखा दिए जाएंगे ट्रेन कौन से होते हैं। तो इस तरीके के इसको कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं। अब लिखना कैसे है, कॉन्सेप्ट मैपिंग, लर्निंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टीचिंग, मतलब टीचिंग का एक बढ़िया तरीका, उद्देश्य होता है इसका बच्चों को सही तरीके से समझा दे। देर हैव बीन सेवरल एफर्ट टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग, सीखने के हम बच्चों को सिखाने के बार बार प्रयास करते हैं। वन सच एफर्ट इज ट्राई टू सेवरल इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, कई प्रकार की हम अपनी रणनीति अपनाते हैं किसी भी निर्देश देने की। कॉन्सेप्ट मैपिंग इज वन ऑफ सच, इट हैव बीन डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के अंदर कोई भी विचार आता है उसको समझ के काम करते हैं अमंग द स्टूडेंट विद द इनर रिलेशन अमंग द कॉन्सेप्ट, फिर वो आपस में रिलेशन बनाते हैं इन चीजों के बीच में। इट इज प्रोसेस दैट रिजल्ट इन कॉन्सेप्ट मैप, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे को कॉन्सेप्ट मैप निकल के आ जाता है। जैसे दो तीन चर्चा की गई, क्या क्या चीज इसमें होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट मैप पर डायग्रामेटिक होते हैं, डायग्राम में बनाने होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शो मीनिंगफुल रिलेशंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब एक दूसरे के संबंध बनने चाहिए, सारे के सारे जो हम डायग्राम में दिखाएंगे आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए। द प्रीपोजिशन डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन द कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी चीजें हमने डायग्राम में दिखाई उनका आपस में संपर्क हो, विचार उनका कोई कॉन्सेप्ट होता हो, आइडिया एक हो। यूजली कॉन्सेप्ट आर रिटन इनसाइड द सर्कल ऑफ बॉक्स, कि जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है बॉक्स में लिखते हैं हम, कनेक्टेड बाय लाइन से जोड़ देते हैं, कनेक्टिंग वर्ड और शब्दों को आपस में लाइन से बॉक्स को जोड़ दिया जाता है। कॉन्सेप्ट आर अरेंज इन हायरार्कीज ऑर्डर में, मतलब पद क्रम में ऊपर से नीचे डेजिग्नेशन के हिसाब से, उनको फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऊपर से लेके नीचे तक कहां कहां जाएंगे, कौन कौन सा ऑर्डर आएगा वो दिखाते हैं। प्लेसिंग द मोस्ट जनरल कॉन्सेप्ट एट द टॉप ऑफ मूविंग डाउन, जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो सबसे टॉप में रखते हैं और जो उससे रिलेटेड है वो नीचे लाए जाते हैं। They can also be linked literally relating to concept together, मतलब इनका एक जो ना संबंध होता है आपस में, जो बाद की चीजें आती हैं उनका आपस में कॉन्सेप्ट होता है, संबंध होता है आपस में। इट इज पॉसिबल टू शो इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट अक्रॉस द सब्जेक्ट, मतलब ये संभव है कि हम एक मतलब कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट में मिला था उसका इंटीग्रेशन सभी चीजों को हम जोड़ दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग के स्टेप कौन कौन से होते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट मैप द फॉलोइंग स्टेप आर फॉलोड। इट फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट फ्रॉम सिलेक्टेड यूनिट लिस्ट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ले ले, कोई भी ट्रांसपोर्ट का दिखाना चाहते हैं, वाटर का दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का दिखाना चाहते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख ले उसको। अरेंज द कॉन्सेप्ट इन हायरार्कीज ऑर्डर में, मतलब पद क्रम में, मतलब सबसे ऊपर कौन आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, फिर कौन आएगा, जनरल स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऊपर से लेकर नीचे तक हम लिख देते हैं। सिलेक्ट द कॉन्सेप्ट दैट आर टू बी प्लेस्ड लैटरली, मतलब बाद में लैटरली कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे वो बाद में लिखते चलते हैं। प्लेस ऑल द कॉन्सेप्ट मीनिंगफुल ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब जहां पे जिसका मीनिंग निकलता है, जहां पे जिसका संबंध वहीं पे लिखा दे उसको। सर्कल बना दे बॉक्स अराउंड द कॉन्सेप्ट के, जो वर्ड हमने लिखा उसके ऊपर सर्कल बना देते, ड्रा लाइन लिंकिंग द कॉन्सेप्ट, और फिर आपस में उनके जैसे लाइन दिखाई गई ऐसे जोड़ के बच्चों को दिखा देते हैं। कॉन्सेप्ट मैप इस तरीके से कॉन्सेप्ट मैप, रीड द होल कॉन्सेप्ट मैप एंड सी वेदर द लिंक आर द कनेक्टिंग वर्ड की, फिर दिखा देते बच्चों को इस प्रकार लिंक इसका इसके साथ, लिंक इसका इसके साथ है। इन केस ऑफ द कॉन्सेप्ट मैप लुक और क्राउडेड, अगर कॉन्सेप्ट मैप ब्लैक बोर्ड पर ज्यादा भीड़ भाड़ कंजेस्टेड हो गया है, इट में भी रिकंस्ट्रक्शन दोबारा आप समझा सकते हैं बच्चे को, फिर बना सकते हैं। आफ्टर द एंड द कॉन्सेप्ट मैप ऑन द ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करें, इंटरेक्शन करें, दे मे बी इंक्रीज टू ड्रा ऑन देयर ओन, फिर बच्चों को अपनी नोटबुक में अपने आप बना के देखे, टू बिगिन विद दे कैन कंप्लीट द इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट मैप, अगर थोड़ा सा हम उनको स्टार्ट करके ब्लैक बोर्ड फिर कह सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट मैप को पूरा करो। लेटर दे कैन बी आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए कॉन्सेप्ट मैप ऑन देयर ओन, फिर हम कह सकते हैं कि अपने आप बना के दिखाओ फिर तुम।
ये यूजेस क्या क्या है, कॉन्सेप्ट मैप कैन बी यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ लेसन, लेसन के किसी स्टेज में, शुरू में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। व्हेन इट इज यूज्ड एट द इंट्रोडक्टरी स्टेज, अगर स्टार्ट में यूज करते हैं, स्टूडेंट गेट ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न, बच्चों को पहले ही पता लग जाता है कि इस लेसन में ये चीजें आएंगी, क्या सीखने जा रहे हैं। इफ इट इज यूज्ड एट द डेवलपमेंट स्टेज, अगर हम बीच में जब लेसन चल रहा है उसके बीच में लेते हैं, स्टूडेंट आर टेकन स्मूथली फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट टू अनदर, फिर बच्चों को एक कॉन्सेप्ट से दूसरे स्थान कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ दिया जाता है। व्हेन इट इज यूज्ड एट द इवैल्यूएशन स्टेज, अगर हम मूल्यांकन स्टेज पे कर रहे हैं, इट कैन बी असेस द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट, तो हमारे को पता लग जाता है कि बच्चों का कितनी समझ में आया है। बाद में हम करते हैं समराइजिंग व्हाटएवर द लर्नर्स हैव लर्न, कि हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बच्चों ने इतना सीख पाया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शनल सिमिलरिटीज, क्या क्या समानताएं हैं, डिफरेंस सोशल साइंस और सोशल स्टडीज क्या है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि सोशल साइंस जो एक बहुत ब्रॉड फील्ड है और सोशल स्टडीज जो है ना एक पार्ट है, सिर्फ सोशल साइंस का एक पार्ट है सोशल स्टडीज, तो ज्यादा कुछ नहीं है, सोशल साइंस में ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है। क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटीज है, सोशल साइंस एंड साइंस, सोशल स्टडीज आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, यही कहा जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एज वेल एज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मैंने भी कई तरीके से दूसरे से अटैच है, कई तरीके से अलग है, देखते हैं क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज मीन्स होता है समानता, इनमें समानताएं क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, बोथ सोशल साइंस और सोशल स्टडी आर द आउटकम, परिणाम है ऑफ सेम जेनेसिस एंड पेरेंथेसिस, मतलब एक ही इनके एक पेरेंट्स एक ही है, उनसे निकल के आए हैं इनका परिणाम, सेम जीनस एंड पेरेंथिस मतलब एक ही जगह से निकल के आए हैं, बोथ ऑफ देम सेम कॉमन बॉडी ऑफ कोर्स कॉन्टेंट, एक ही प्रकार के तत्व होते हैं इनमें, एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं। इन केस ऑफ बोथ, दोनों की बात करें, द सेंट्रल फोकस ऑफ वुमेन्स मैन रिलेशनशिप, वुमेन्स मैन एंड हिज और हर एनवायरमेंट, मतलब आदमी औरतों के रिलेशनशिप दिखाए जाएंगे दोनों में और उनके एनवायरमेंट के बारे में बात की जाएगी दोनों के अंदर में। वुमेन रिलेशनशिप इज द कॉमन डिनोमिनेशन इन केस ऑफ बोथ सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी, दोनों की बात करें तो मानव के जो संबंध है उनकी ज्यादा प्रभुता होता है इसमें। बोथ फोकस ऑन वुमेन्स मैन एंगेज इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, दोनों की आदमी क्या काम करते हैं, औरतें क्या काम करती है, फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग हिज और हर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए दोनों में इन चीजों का ध्यान किया जाता है। कम्युनिकेटिंग हिज और हर आइडिया, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, फीलिंग भावनाओं को, प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो चीजें उनको चाहिए उनको कैसे बनाते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, एंड सेविंग वुमेन्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और जो आदमी के बनाए हुए रिसोर्स हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किस प्रकार वो बचाते हैं। द फंक्शन रिलेशनशिप सोशल स्टडीज और सोशल साइंस में क्या संबंध है, सोशल स्टडी द स्टडी ऑफ द मैन एंड हिज रिलेशनशिप विद फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट, में सोशल स्टडी में किस किस चीज को पढ़ते हैं हम, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशलोजी, सोशल साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक, ये चीज सोशल स्टडी के अंदर ही काउंट होती है, कहीं पे अलग पढ़ाते हैं कहीं से अलग, पॉइंट ऑफ मतलब इनका डिफरेंसेस क्या क्या होता है। ड्राइवेशन से सोशल साइंस आर द जेनेसिस एंड द पेरेंट डिसिप्लिन ऑफ सोशल स्टडी, मतलब जो सोशल साइंस जो है ना वो पेरेंट्स मानेंगे सोशल स्टडी की, मतलब सोशल स्टडी सोशल साइंस के अंदर से निकल के आ रही है। सोशल स्टडी इज द आउटकम आर द प्रोडक्ट ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्टडी जो है सोशल स्टडी सोशल साइंस से निकल के आ रही है। एरिया ऑफ अफेयर्स, ये तो ड्राइवेशन कहां से कौन निकल के आया है, कॉन्सर्न विद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन अफेयर, मतलब इसमें थ्योरी की नॉलेज दी जाती है सोशल साइंस के अंदर, और जो कॉन्सर्न विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है इसमें हम प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सोशल स्टडी के अंदर। एरिया ऑफ अफेयर्स मतलब कहां कहां सोशल स्टडी सीख के सोशल यूनिटी दिखाती है, मतलब सामाजिक एकता सोशल साइंस में दिखाई जाती है। सोशल स्टडी सीख इंस्ट्रक्शनल यूटिलिटी, मतलब इसमें सिर्फ हम पढ़ाते हैं भी इस प्रकार उपयोगिता है इसकी। अप्रोच किस प्रकार की है, सोशल साइंस रिप्रेजेंट अडल्ट अप्रोच, मतलब बड़ों के समझ में आने की चीज होता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है सोशल साइंस, और सोशल स्टडीज जो है रिप्रेजेंट चाइल्ड अप्रोच, इजीली समझ में आ जाती है। अप्रोच है सोशल साइंस आर स्टडीज थ्रू आइडियलिस्टिक अप्रोच, आइडियलिस्टिक वास्तविक जो चीजें होती है उस तरीके से अध्ययन करते हैं, और ये प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है जो व्यावहारिक होती है, जो प्रैक्टिकल तरीके से आती है उस तरीके से की जाती है इसकी स्टडी। एम क्या होता है सोशल साइंस, एम है तो कंट्रीब्यूटिंग नॉलेज एंड इंक्रीजिंग द इंटेलेक्चुअल होरिजन, बच्चों को नॉलेज को इंक्रीज करना, उनका बौद्धिक अक्षतीज को बढ़ाना होता है। सोशल स्टडी एम है अवेयर नॉलेज फॉर सॉल्विंग वेरियस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, और सोशल स्टडी का एम होता है सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम है उनके बारे में समाधान करना, सोशल स्टडी का काम है। कंपोजिशन किसकी चीज से बनी है, सोशल साइंस इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक, ये चीजें सारी इसमें सोशल साइंस में आती है। सोशल स्टडी ड्रा द कंटेंट, इसकी कंटेंट भी से वस्तु फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ सोशल साइंस से आती है, एंड लेबल्स देम अंडर द थ्री आर द फोर ब्रॉड लेवल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन चीजों में टू बी टोटल द
स्कूल और जूनियर लेवल पे इनको पढ़ाया जाता है इन लेवल्स में। कंपोजिशन सोशल साइंस आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट वेयर एज ईच ऑफ एवरी सब्जेक्ट स्पेशली आइडेंटिकलीज एंड वन सब्जेक्ट कैन इजीली बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम, मतलब ये जो एक दूसरे से अलग सोशल साइंस जो है आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट का मिश्रण होता है ये, बट प्रत्येक सब्जेक्ट की आइडेंटिटी अपनी अलग अलग होती है, अपनी अलग पहचान होती है। जिस प्रकार हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें डिफरेंशिएटिव ज्योग्राफी और हिस्ट्री अलग अलग हो जाती है। जिस तरीके से सोशल स्टडीज इज अ कंपोनेंट रैदर देन मिक्सर, इसमें कंपोनेंट होते हैं, ये मिक्सर नहीं होता है। विच वेयर से समथिंग न्यू इमर्ज आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन, जहां पे कुछ नई चीज निकल के आती है उनके कॉम्बिनेशन से, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द पार्ट्स एंड सोशल स्टडी इन क्लियर कट वे, मतलब इनके पार्ट्स को हम अलग नहीं कर सकते, ये बिल्कुल मिले हुए होते हैं। रीडर द रीडर ऑफ द सोशल साइंस के रीडर जो होते हैं कम होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज है अडल्ट व्यूज के बारे में, ओनली दोज हु आर कॉम्पिटेंट एंड इंटरेस्टेड, जो योग्य है और इंटरेस्टेड है वही पढ़ते हैं, दे कैन स्टडी सोशल साइंस को वही अध्ययन करते हैं। सिंस सिटीजन सिप प्रिपरेशन इज द मेन एम सोशल स्टडी, सो इट इज स्टडी एवरीबॉडी, तो ये सिटीजन मतलब नागरिक बनाना ये प्रमुख उद्देश्य होता है, इसलिए ये हर कोई इसको पढ़ देता है। स्टेज ऑफ स्टडी सोशल साइंस आर एडवांस स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, मतलब एडवांस स्टडी है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है, दे आर बेसिकली टोट एट द हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाई जाती है सोशल साइंस को। सोशल स्टडी इज द सिंप्लीफाइड एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइंस विच इज बेसिकली टोट एट द जूनियर स्टेज पे पढ़ाई जाती है, स्कूल लेवल में पढ़ाई जाती है, आसान होती है। स्कोप क्या है, द स्कोप ईच सोशल साइंस सब्जेक्ट इज लिमिटेड विद इन इट्स ओन फील्ड, मतलब अपने फील्ड तक होती है हर सब्जेक्ट अपना। उदाहरण के लिए इकोनॉमिक्स इज द रिलेटेड टू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी विद टच ऑफ द इकोनॉमिक फील्ड, जो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित होती है वो इकोनॉमिक्स में आ जाती है। सोशल स्टडी टच ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन सोशल लाइफ एंड कंपाउंड्स मैनर्स, मतलब सोशल स्टडी के अंदर हर किसी चीज को, सांस्कृतिक चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें, सभी चीजों को पढ़ाया जाता है इसमें। सोशल साइंस ए वास्ट स्कोप है सिंस दे इंक्लूड नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सोशल साइंस का स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें काफी सारे सब्जेक्ट आते हैं। सोशल स्टडीज ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस, और हम पहले भी कह चुके हैं सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का ही पार्ट है, सो इट इज नैरोअर देन सोशल साइंस की बजाय इसका क्षेत्र संकीर्ण है, बहुत कम है। कॉम्प्लेक्सिटी सोशल साइंस आर द कॉम्प्लेक्स स्टडी ऑफ द सोशल फिनोमिना, कि सोशल साइंस जो है एक बड़ा जटिल अध्ययन करना है एक सामाजिक घटनाक्रम का, और सोशल स्टडी इज द सिंप्लीफाइड एस्पेक्ट ऑफ द सोशल साइंस, ये एक साधारण रूप है सोशल साइंस का। सोशल स्टडी टोटल स्कूल और जूनियर स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है। 19वें क्वेश्चन नंबर 18 था इंस्ट्रक्शन कंपोनेंट ऑफ सोशल साइंस स्कूल लेवल में, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं वो मैं बता देता हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्योर सोशल साइंस के हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्यूरिसप्रूडेंस, लॉ, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, ह्यूमन्स राइट एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये जो प्योर सोशल साइंस में आएंगे। सेमी सोशल साइंस से एथिक्स, एजुकेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी ये और आर्ट सेमी सोशल साइंस में आएंगे। साइंस विद सोशल इंप्लीकेशन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मेडिसिन जिसमें साइंस के तत्व होंगे, लिंग्विस्टिक, लाइब्रेरी साइंस, ये तीन प्रकार की चीजें इसमें चर्चा करनी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्योर सोशल साइंस, सेमी सोशल साइंस और साइंस विद सोशल इंप्लीकेशन, ये तीन चीजें इसके अंदर आएंगी बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डू यू एग्री विद द टीचर एंड स्टूडेंट लर्निंग रिसोर्स फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर्स स्टूडेंट कम्युनिटी सारे एक रिसोर्स हैं, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इस चीज की, इसमें कम्युनिटी भी हो सकता है। टीचर्स एज ए रिसोर्स किस प्रकार होता है, टीचर जो ना ट्रेनिंग लेते रहते हैं, चल हम पढ़ी लेते हैं इसको, इन टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस में इवन द स्कूल एंड कम्युनिटी कैन बी देयर इन द लर्निंग रिसोर्स, स्कूल भी, कम्युनिटी भी, टीचर्स भी, सभी होते हैं। इन स्कूल साइड में स्टूडेंट एंड टीचर कैन भी इफेक्टिव रिसोर्स हो सकते हैं, देयर इज द कम्युनिटी विच कैन ऑल्सो यूटिलाइज लर्निंग रिसोर्स, कम्युनिटी को भी जैसे पॉन्ड किया ध्यान कर सकते हैं, फील्ड में जा सकते हैं, ये चीजें हम कर सकते हैं। टीचर एज ए रिसोर्स, यू विल एग्री दैट ऑल्दो सोशल साइंस टीचर यूजिंग मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द टीचिंग, हम एड्स वगैरह का प्रयोग करते रहते हैं पढ़ाने के लिए, दे देम सर आर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, परंतु टीचर भी जो है स्वयं अपने आप भी एक इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स है वो भी। As most of the classroom activity are controlled by the teacher, their knowledge, skill, experience and competency, मतलब टीचर जो है ना क्लास को कंट्रोल करता है अपने नॉलेज से, स्किल से, एक्सपीरियंस से, कॉम्पिटेंसी से, योग्यता निर्णय करती है। टू ए लार्ज एक्सटेंट काफी हद तक द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर का कहां तक ठीक है उसकी ये चीजें जो है ना उसकी नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस बता देता है। फर्दर एग्री दैट द टीचर इज एन इंडिविजुअल इज ए यूनिक, हर कोई टीचर जो ना की एक अतुलनीय चीज होता है। दे कैट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग डिफरेंट इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनके एक्सपीरियंस होते रहते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होती है उनकी। टीचर्स मस्ट इन टीचर इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर उसको ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए, चीजों को पढ़ते रहना चाहिए। फॉर दिस ही और सी अटेंड नेशनल सेमिनार,
फॉर दिस सी और ही हैज टू अटेंड नेशनल सेमिनार होती रहती है, उनमें जाती रहते हैं, कॉन्फ्रेंसिस होती हैं, साइम्पोसिया मतलब संगोष्ठी होता है, ये वो होती रहती है, टीचर्स के आपस में चर्चा होती रहती है टू अपडेट हिज और हर नॉलेज एंड स्किल अपडेट करने के लिए। जो टीचर यू मस्ट रीड द लेटेस्ट बुक्स, जर्नल, मैगजीन, किताबें पढ़ते रहने चाहिए हिस्ट्री के बारे में, जो भी चीजें आज सोशल स्टडी की हो, टू कीप अपडेट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ द स्टडी। स्टडी के अंदर मतलब क्या क्या इन्वेंशन होती रहती है, नई नई चीजें विकसित होती रहती है, उनके बारे में अपडेट रहें। यू नीड टू डेवलप पॉजिटिव पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक एंड मोरल वैल्यू, अपने अंदर सकारात्मक चीजें के व्यक्तित्व के अंदर विशेषताएं डालें, नैतिक मूल्य डालें। यू एज ए टीचर शुड बी एन आइडियल ह्यूमन बीइंग, एक आदर्श मानव हो फॉर द स्टूडेंट के लिए। तुम तुम्हारी कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं बच्चे टीचर के, कैन बी फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, बच्चों के फ्रेंड्स के लिए दार्शनिक के रूप में, मार्गदर्शी के रूप हो सकते हो। ऑल दीज क्वालिटीज गो ए लॉन्ग वे ऑफ मेकिंग इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिव। ये चीजें अगर टीचर के अंदर है तो एक रिसोर्स का काम करती है, और टीचिंग लर्निंग जो बोरिंग नहीं होती, इफेक्टिव हो जाती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट किस प्रकार रिसोर्स का काम करता है। इन द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो स्टूडेंट इज अ लर्नर, बच्चे सीख रहे हैं। स्टूडेंट कैन ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इंस्ट्रक्शन जॉयफुल, बच्चे जो है ना अपने आप मतलब इंस्ट्रक्शन को बढ़िया तरीके से, इंटरेस्टिंग वे से ले सकते हैं, खुशी खुशी पढ़ सकते हैं, यूजफुल इफेक्टिव बना सकते हैं उसको प्रभावी तरीके से। दो थ्रू आवर एक्सपीरियंस वी नो दैट द मेजोरिटी ऑफ आवर सोशल साइंस क्लासरूम आर बोरिंग। वैसे हमने देखा है कि सोशल साइंस की क्लास में बच्चे जो ना नाम रख लेते हैं SST स्टूडेंट स्लीपिंग टाइम, इस प्रकार के नाम, अगर उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, अगर उनका मेथड सही नहीं है तो बच्चों का नाम वो उल्टे पुल्टे नाम रखेंगे उसके। फिर मेजोरिटी ऑफ क्लास जो है ना ऐसे बोरिंग होती है, सोशल स्टडी की बोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है। स्टूडेंट डू नॉट टेक पार्ट इन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, बच्चे इसमें कोई पार्ट नहीं लेते, स्लीपिंग टाइम होता है उनका। दे रिमेन साइलेंट स्पेक्टेटर, चुपचाप देखते रहते बोरिंग तरीके से। दे डू नॉट आस्क क्वेश्चंस इवन इफ दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, कि वो कुछ समझ भी नहीं पा रहे फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं वो। इफ द ट्रेंड इज रिवर्स एंड द स्टूडेंट आर इन्वॉल्व एक्टिवली इन द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, अगर इस ट्रेंड को हम थोड़ा सा बदल के देख रहे हैं, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें अपने पढ़ाने में, एज इट इज नॉट एक्सप्लेन टीचिंग लर्निंग कैन बी मेक इफेक्टिव एज वेल एज रिवार्डिंग एक्सपीरियंस। तो हम अगर बच्चों को इन्वॉल्व करें तो प्रोसेस जो है सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर टीचिंग लर्निंग अगर बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से होगा, रिवार्डिंग एक्सपीरियंस मिलेंगे, बढ़िया अनुभव। इन द क्लासरूम देर आर स्टूडेंट विद अ वेरिएड पर्सनलिटी, हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, अलग अलग व्यक्तित्व के बच्चे होते हैं सब क्लास के अंदर। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि अलग होती है, इंटेलेक्चुअल लिबर्टी, सब में बौद्धिक क्षमता IQ सबका एक नहीं होता है। ऑल ऑफ देम आल्सो हैव वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, सबके बच्चों के अलग अलग अनुभव होते हैं। इफ ऑल दीज आर एक्सप्लोर्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू द टीचर टीचिंग, अगर सारी चीजों को टीचर टीचिंग्स में इन्वॉल्व कर ले, टीचिंग सर्टेनली बिकम वेरी इफेक्टिव, तो बड़ा मजा आएगा उसमें पढ़ाने के लिए, इफेक्टिव होगी। नॉट ओनली दैट इंस्ट्रक्शन बिकम लाइवली एंड स्टूडेंट टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, इसे क्यों ये रोचक ही नहीं होता, बड़ी इंटरेस्टिंग ही नहीं होता। स्टूडेंट जो बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर पढ़ाने की प्रक्रिया में, स्टूडेंट का ऑल्सो वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज, तो बच्चों जो अपने तरीके से और भी रिसोर्स पर निकाल के देंगे, आप ये भी यूज कर सकते हैं, जब पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क उनको दे देते हैं तो बच्चे अपने आप बहुत सी चीजें निकाल के लेके आएंगे, असाइनमेंट या फील्ड वर्क उनको कोई भी दे दे करने के लिए, कैसे करके लेके आने का। दीज मटीरियल रिसोर्सेज मे बी कैप्ट इन द रिसोर्स सेंटर ऑफ द फ्यूचर यूज बाय द लर्नर, और जो बच्चे अपने को प्रोजेक्ट वर्क देंगे उसको हम अपने पास रख सकते हैं, उसको लैब में रख सकते हैं, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं उनको एक रिसोर्स का काम कर सके, फ्यूचर में बता सके। दस लर्नर आर आल्सो इंपोर्टेंट रिसोर्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन, तो इस प्रकार जो बच्चे हैं वो भी एक इंपोर्टेंट रिसोर्स हमारे पढ़ने के अंदर बन जाते हैं।